नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बिहार के छपरा से हल्ला बोल का स्पेशल एपिसोड आप देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बिहार में चुनाव है और मुंगेर में दुर्गा विसर्जन को लेकर जबरदस्त तनाव है। इन खबरों के बीच जो मुंगेर से आ रही है, राजनीति और सियासत तो साथ ही रही है तमाम पार्टियां, लेकिन सोचिए वहां पर तनाव की स्थिति ऐसी है कि जिस तरह से गोलीबारी और जिस तरह से वहां पर लाठीचार्ज पुलिस की हुई है, उस ज्यादती के खिलाफ लोगों का आक्रोश दिख रहा है। लेकिन सवाल तो उस राजनीति पर भी है जो इसके बहाने साधी जा रही है, सवाल उस सियासत पर भी है जो इस पूरे मामले में आग लगाने पर तुली हुई है। आपको बता दें, दुर्गा विसर्जन के दिन जब वहां से लोग जा रहे थे दुर्गा प्रतिमा को लेकर, बड़ी दुर्गा की प्रतिमा ये मुंगेर में थी, तब वहां पर लाठीचार्ज और साथ ही गोलीबारी का कांड हुआ। लेकिन मुंगेर पुलिस का यह कहना है कि गोली हमारी तरफ से नहीं बल्कि भीड़ में ही लोगों ने चलाई थी। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं दुर्गा विसर्जन के दिन की है, लेकिन उसके बाद की तस्वीरें और भी परेशान करने वाली हैं, क्योंकि पहले दौर का मतदान इसी घटना के साए में हुआ और अब 3 और 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। लेकिन उससे पहले देखिए, कई थानों में आगजनी की गई है। थाने के बाहर जो गाड़ियां रखी थी वो सब आग के हवाले कर दिया गया है। कई खास मेहमान हमारे साथ, डॉक्टर संबित पात्रा, अभय दुबे, सभी जुड़ेंगे इस चर्चा में। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। बिहार की कानून व्यवस्था तार तार है और बिहार की जनता न्याय के लिए बेजार है। राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की, जनरल डायर की भूमिका में आ गया। जिस तरीके से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, मुंगेर में वोटिंग खत्म हुई नहीं कि लोगों के सीने में 26 अक्टूबर से सुलग रही आग धधकने लगी। पुलिसिया रवैये के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने थाने के बाहर आगजनी की, कई गाड़ियां जला दी। चंद घंटे पहले तक मुंगेर की एसपी रही लिपि सिंह के खिलाफ लोगों में नाराजगी इस कदर थी कि उन्होंने एसपी दफ्तर में तोड़फोड़ की, खूब पत्थर बरसाए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी, एसडीओ ऑफिस को भी निशाना बनाया। हालात इस कदर बिगड़े कि डीआईजी को अपनी पलटन के साथ फ्लैग मार्च करना पड़ा। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हम लोग करेंगे, जांच होगी सब भी, कोई भी उपद्रवी तत्व ना आए और लोग उसको भीड़ का पार्ट ना बने, निश्चित रूप से चिन्हित करके कार्रवाई होगी। वीडियो फुटेज भी आया है, सब लोग इस तरह की जो घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाती। हिंसा और आगजनी के बीच मुंगेर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारे 5 सवाल हैं। मुंगेर में मां दुर्गा के मूर्ति विसर्जन कर रहे भक्तों को बगैर कारण जानवरों की तरह पीटने का जिम्मेवार कौन है मोदी जी? मुंगेर के 8 निवासियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने और उन्हें घायल करने का जिम्मेवार कौन है मोदी जी? मुंगेर में मासूम अनुराग कुमार के सर पर गोली मार उस निर्दोष का भेजा उड़ाने का जिम्मेवार कौन है मोदी जी? एसपी और कलेक्टर को बचाने के षड्यंत्र का जिम्मेवार कौन है मोदी जी? जदयू भाजपा सरकार के महाजंगल राज का जिम्मेवार कौन है मोदी जी? मुंगेर को लेकर नीतीश सरकार कटघरे में है, विरोधी जनरल डायर का जुमला बुलंद कर रहे हैं। हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? महागठबंधन के लोग जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं यह समझ से परे है। ऐसे लोग लॉ एंड ऑर्डर पे इतना चिल्लाते हैं, जिन्होंने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त ही कर दिया था, बिहार को जंगल राज के एरा में ले गए थे। मुंगेर की इस आग की वजह जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। 26 अक्टूबर को पुलिस ने लोगों से जल्द दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम खत्म करने के लिए कहा, लेकिन लोग पूरे विधि विधान और पारंपरिक तरीके से विसर्जन करना चाहते थे। इसी को लेकर विवाद बढ़ा, लोग देवी की प्रतिमा को घेर कर बैठ गए और पुलिस ने लाठियां भांज डाली, फिर फायरिंग हुई और एक की जान चली गई। पुलिस कहती है कि फायरिंग उपद्रवियों ने की, जबकि लोगों का आरोप है कि गोलियां पुलिस ने। वहां पर विसर्जन के समय में
कुछ दुर्गा पूजा समितियों की, जैसे अभी उसको तभी गहन जांच का ये विषय है, उन लोगों के बीच में कुछ टाइमिंग के लिए कुछ झड़प हुई और इसी बीच में किसी असामाजिक तत्व के द्वारा गोलियां फायर की गई। सरकार ने गोली मारा, गोली जिसने भी चलाई लेकिन जवाब सरकार को देना है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता मुंगेर की घटना। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाए और जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। 26 अक्टूबर को मुंगेर में हुए गोलीकांड के बाद पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लिहाजा चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है, एसपी और डीएम को हटा दिया गया है। आज तक ब्यूरो। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के अभय दुबे जी हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। अजय आलोक जेडीयू का पक्ष रखेंगे नेता प्रवक्ता, और मृत्युंजय तिवारी पक्ष रखेंगे आरजेडी का नेता और प्रवक्ता के रूप में। सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा आपके पास आते हुए, देखिए इससे पहले चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव सब जनरल डायर नीतीश कुमार की सरकार पर कह रहे थे, ये टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन अब सीधा प्रधानमंत्री से सवाल दाग रहे रणदीप सुरजेवाला, उन्हें घसीट रहे हैं पूरे मामले में, क्या होगा आपका जवाब? देखिए अंजना जी, जिस प्रकार के दृश्य मुंगेर में देखने को मिले ये हृदय विदारक है। मैं पहले तो राजनीति से ऊपर उठ के कहना चाहता हूँ कि अनुराग पुद्दार, वो छोटा सा मासूम सा लड़का, माँ का भक्त, जिस प्रकार से किन शब्दों का मैं प्रयोग करूँ, उनका जो सर है वो बाहर पड़ा हुआ है और महिला उसको गोद में लेकर विलाप कर रही है, रो रही है। इस प्रकार का दृश्य कोई भी महिला अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए अपने जीवन काल में ना देखे और किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का नृशंस व्यवहार ना हो। देखिए अंजना जी, आप जानती हैं और आपकी रिपोर्ट को मैंने सुबह भी आज देखा है, चूंकि बिहार एक इलेक्शन गोइंग स्टेट है तो स्वाभाविक रूप से जो अभी वहां का प्रशासन है, चाहे वो लोकल प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस का प्रशासन हो, चाहे राज्य का प्रशासन हो, ये सारा प्रशासन अभी किसी पार्टी के हाथ में नहीं, नीतीश जी के हाथ में नहीं है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है। इस पूरे विषय में इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान में लिया है, एसपी और डीएम को हटाया है। मगर मैं चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी और मैं पार्टी की तरफ से भी कहना चाहूंगा, स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन, जो सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन हो, एसपी और डीएम के खिलाफ लेना चाहिए। इस प्रकार हिंदुओं के खिलाफ जो बर्बरता हो रही है, कई जगहों पर देश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता हुई है, हमने आज मुंगेर का केस देखा है, आज ही हमने दुर्गा पूजा विसर्जन में छत्तीसगढ़ के अंदर बिलासपुर में ठीक इसी प्रकार का दृश्य देखा है। हिंदुओं के खिलाफ इस प्रकार की बर्बरता हिंदुस्तान नहीं सहेगी। हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार का आतंकवाद, चाहे वो कोई प्रशासन करे, चाहे वो प्रशासन बंगाल का हो, चाहे वो प्रशासन इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आता हो, चाहे वो प्रशासन छत्तीसगढ़ का हो, किसी का भी प्रशासन हो, हिंदुओं के ऊपर ये बर्बरता हम नहीं सहेंगे। हम स्पष्ट रूप से अपने अधिकारों के लिए मांग करेंगे। अरे मां दुर्गा की पूजा भी ना करें, मां दुर्गा की आराधना भी ना करें? आप सोचिए अंजना जी, अगर किसी प्रकार ईदगाह पे ईद पर नमाज पढ़ते हुए इसी प्रकार लोगों के ऊपर आक्रमण हो गया होता तो अभी तक हमारे जो लोग हैं वो यूनाइटेड नेशन तक जाके कंप्लेंट कर चुके होते, अभी तक पूरा विश्व दहल चुका होता। और दुर्गा भक्त एक व्यक्ति के साथ अनुराग पुद्दार के भेजे को बाहर निकाल दिया जाए, बिल्कुल ये असहनीय है, ये असहनीय है। इलेक्शन कमीशन को स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेना पड़ेगा। पर संबित पात्रा जी, अजय आलोक जी, नहीं, लेकिन मान नहीं रहा ना विपक्ष नहीं मान रहा कि इलेक्शन कमीशन के तहत है, वो तो सीधे नीतीश सरकार को, आपके एनडीए की सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। एक छोटा सा जवाब दीजिएगा उसके बाद मैं अजय आलोक जी के पास जाऊंगी। वो तो कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार हैं, वो तो सीधे प्रधानमंत्री का नाम घसीट रहे हैं। देखिए मुझे तो दुख हो रहा है कि अगर ये विषय वो समझ नहीं पाते हैं और इस विषय से वो कुछ वोट की राजनीति करना चाहते हैं तो ये बहुत बहुत ही दुखद और बहुत ही इनसेंसिटिव है। अगर इससे आप चाहते हैं कि आपको कुछ वोट मिल जाएगा तो ये इनसेंसिटिव है। हिंदुओं के हक के लिए बिना तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए किस प्रकार आगे हम बढ़ें, सबका साथ सबका विश्वास पाते हुए किस प्रकार हिंदुओं को भी अपना हक मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव लड़ती रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम ना करें। आप जानते हैं कि इलेक्शन के समय एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है, किसी एक पार्टी के नेताओं के हाथ में नहीं होता है। इसलिए मैंने खुद यहां पर कहा, आपने अभी गिरिराज सिंह जी को सुना, और हम सब डिमांड करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पे एक्शन ले, स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन। नहीं होता है, डायरेक्टली नहीं होता है सर,
डायरेक्टली ठीक है संबित जी, डायरेक्टली नहीं होता है, स्वायत्तता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, लेकिन सवाल है कि इतनी देरी क्यों हुई? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरऑल पावरफुल तो है ही, जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी, क्या चुनाव आयोग से सिफारिश नहीं की जा सकती थी कि सख्त एक्शन होना चाहिए? ये 72 घंटे की जो देरी हुई उसकी वजह से आज की आगजनी और हिंसा हुई ना। देखिए, जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की सिफारिश का विषय है, किसी भी इलेक्शन गोइंग स्टेट में इस प्रकार का सिफारिश, और वो भी खास करके डीएम और एसपी के लिए, मुझे लगता है ये अपने हाथ में कंट्रोल लेना उचित नहीं होता। इलेक्शन कमीशन को पूरा विषय बिहार की सरकार ने अवगत कराया है, अवगत कराने के बाद ये एक्शन लिया गया है, और आज हम डिमांड भी कर रहे हैं, और स्पष्ट रूप से टेलीविजन चैनल पर मैं कह रहा हूँ कि जो लोग, चाहे कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, इस प्रकार के अमानवीय कृत्य के लिए किसी को बख्शा ना जाए, और खास करके हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड हिंदुस्तान में, अरे ये पाकिस्तान थोड़ी है, ये हिंदुस्तान है, हम अपनी माँ की पूजा नहीं करेंगे, हम अपनी माँ की आराधना नहीं करेंगे, बिल्कुल माँ की आराधना करेंगे, हक से करेंगे। आ रही हूँ अभय जी, आ रही हूँ, ठीक है। अभय दुबे जी, इसमें प्रधानमंत्री का क्या दोष हो गया? मतलब गोली किसने वहां पर चलवा दी, जानबूझकर गोली चलवा दी किसी ने? ये किस आधार पर आप लोग इस तरह के आरोप लगाना शुरू कर देते हैं? आप क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने या प्रधानमंत्री ने, किसी ने कह दिया कि जनता पर गोली चला दो? इतने सेंसिटिव इशू पर इस तरह की पॉलिटिक्स का कोई तो आधार होना चाहिए। आज इसी का नतीजा है कि वहां पर जिस तरह की हिंसा देखी गई है, तनाव बना हुआ है सर। और मुंगेर एक ऐसा जिला है, आप पता नहीं बिहार को कितना जानते हैं, मुंगेर एक ऐसा जिला है जिसने धार्मिक आधार पर कई बार इस तरह की हिंसा देखी है। वहां पर तनाव फैलाना और लोगों को उकसाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अंजना जी, ये हिंसा बिल्कुल धार्मिक आधार पर थी, मैं मानता हूं, मगर सिर्फ हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों का कसूर ये था कि वो माता दुर्गा का विसर्जन करना चाहते थे। और ये जो निष्ठुरता से भारतीय जनता पार्टी राग अलापने लगी ना इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, उसमें वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हेल्ड दैट द आर्टिकल 324 ऑपरेट्स इन द एरिया लेफ्ट अनऑक्युपाइड बाय द लेजिस्लेशन। और जो सुप्रीडेंसी की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये खुद चुनाव आयोग कह रहा है। क्या चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने निर्देश दिया और गोली चला दी? नहीं। मैं चुनौती देता हूं, वो एसपी और कलेक्टर के कॉल डिटेल आप जारी कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जेडीयू के शीर्षस्थ नेता की बेटी एसपी वहां पर है, और ये जो कहते हैं पुलिस की गोली से नहीं मरे, ये रिपोर्ट है, ये जो गोली है वो इंसास की है। एक जो चंदन मासूम है जिसके पैर से गोली निकाली डॉक्टर ने, और एक बड़े अखबार ने उसका फोटो लेकर विशेषज्ञों से बात की, तो उन्होंने कहा ये गोली सिर्फ और सिर्फ, ये बुलेट की पैलेट, ये खोल सिर्फ पुलिस इंसास की बंदूक में इस्तेमाल करती है। अंजना जी, कितना बड़ा षड्यंत्र बिहार की जनता के साथ आप रचेंगे? क्या उन मासूमों का दर्द देख पाएंगे? संबित पात्रा जी, एक बार घर पर जाएं, भाजपा के और जेडीयू के नेता अपने बच्चों की आंखों में आके डालना, तब अनुराग की मां की वो वेदना समझ में आएगी। निर्लज्ज सा से कहते हैं कि चुनाव आयोग का निर्णय, अरे चुनाव आयोग खुद कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं आर्टिकल 324 में, वो इतने सीमित हैं कि चुनाव के विषय पर वो निर्णय लेते हैं। चुनाव आयोग को निर्णय लेना होता तो इलेक्शन के पहले वो ले चुका होता, चुनाव के बाद ये राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी का दुष्कृत्य एक और बिहार की जनता के साथ है कि वो पूरा ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ना चाहते हैं। अंजना जी, मैं बहुत दर्द और वेदना से कहता हूं कि उन हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों के साथ जो सवाल लोग के पास ले चलते हैं, एक जो बात कह रहे और मैं कहना चाहता हूं, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, कल अजय आलोक जी ने शो में कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने डीजी को कहा है कि तुरंत इसकी जांच करें। मुख्यमंत्री जी सारे ऑर्डर आज भी साइन कर रहे हैं, कार्यालय में बैठ करके मुख्यमंत्री के पद पर है, संविधान की शपथ के साथ, इस्तीफा क्यों नहीं दिया फिर उन्होंने चुनाव के पहले? कितनी बेशर्मी भरी बात करते हैं ये लोग। चलिए अजय आलोक जी जवाब दीजिए। और देखिए कल से बता रहे हैं, और ये आरोप कल से नहीं परसों से आपका पीछा कर रहा है, आरसीपी सिंह जेडीयू के नेता राज्यसभा के, उनकी बेटी है लिपि सिंह जो एसपी थी, इसीलिए इतनी देरी की गई, यही आज रणदीप सुरजेवाला बोल रहे हैं, यही बीते दिन से लगातार आरजेडी एलजेपी सभी कह रहे हैं, जनरल डायर तक का आरोप लग गया है। सवाल है कि क्यों गोली चली सर, क्यों गोली चली?
लिपि सिंह को किसके डायरेक्शंस पर फायरिंग के आदेश दिए गए, और अगर फायरिंग का आदेश लिपि सिंह ने नहीं दिया है तो वहां पर गोलियां कैसे चली, कुछ तो बताइए, तस्वीर तो साफ कीजिए। तस्वीर बिल्कुल जांच के बाद साफ हो जाएगी अंजना जी। दो चीजें हैं जो मैं परसों से बोल रहा हूँ। जनरल डायर साहब एक साथ तीनों को कौन से जाते हैं, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, तीनों के दिमाग में एक साथ रणदीप सुरजेवाला आते हैं। मुंगेर में जो हुआ वो कितना दुखदाई और पीड़ादायी है इसकी चिंता इन लोगों को नहीं है, लगे हैं राजनीतिक रोटियां सेकने। परसों मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है डीजीपी को कि इसको दिखवाइए क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को लिख के भेजिए। परसों सुशील मोदी जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं उन्होंने बकायदा इलेक्शन कमीशन को फुल ड्राफ्ट बिहार सरकार की तरफ से परसों ही दे दिया जब गोली चली कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाइए, डीएमएसपी को वहां से हटवाया जाए। जरा पता करिए ये इस बारे में तो नहीं पता कर रहे हैं। रिपोर्ट लेके आ गए इंसास गोली की, कहां से मिली भाई साहब इंसास गोली की रिपोर्ट? दैनिक भास्कर में छपी है। करोगे डिफेमेशन का केस? कौन सा फोरेंसिक एक्सपर्ट है वहां पे? एक मुंगेर का इतिहास भी आप जानते हैं? मुंगेर का इतिहास जानते हैं? डिफेमेशन का केस? एक मिनट सुनिए, सुनिए, बीच में मत बोलिए। मुंगेर का इतिहास जानते हैं? मुंगेर भागलपुर बगल में के रूम में बैठकर चाय की चुस्की ले रहे हैं। भागलपुर बगल में वहां के दंगे आपकी कांग्रेस पार्टी करवा चुकी है 5-5 बार। मुंगेर जाकर फेमस भागलपुर दंगा आपकी कांग्रेस पार्टी ने करवाया था। और आज की बात को खत्म करना चाहिए, इनको पहले चुप करवाइए। फालतू चिल्ला रहे हैं, सत्ता विलाप है और कुछ नहीं। इमाम कर रहे हैं ये सत्ता विलाप के लोगों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। ठीक है, नीतीश कुमार नहीं होगा, नीतीश कुमार जी सुन लीजिए, इनको चुप करवाइए ना। मैं जवाब लूंगी आपसे, एक बार सुने तो जेडीयू को, एक बार सुनते हैं कि जेडीयू क्या कह रही है इस वक्त। एक बार अजय आलोक को सुन लेते हैं। अजय आलोक जी, देखिए मामला बहुत गंभीर है और जब तक सच सामने नहीं आएगा लोगों में इस बात की परेशानी है कि गिरिराज सिंह तक बीजेपी वाले संबित पात्रा सभी कहने लगे कैसे हो गया, गलत है, अनर्थ है, फौरन कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप लोग सब चुप रहे। तभी तो ये पूछा गया ना कि एसपी लिपि सिंह जेडीयू नेता की बेटी इसलिए चुप है क्या, वरना आपको भी उतना ही दर्द होना चाहिए था। 18 साल के अनुराग पोद्दार की मौत हो गई, उसकी माँ कलप कलप कर पूछ रही है कि मेरे बेटे की क्या गलती थी, वो तो सिर्फ बड़ी दुर्गा को कंधा देने के लिए गया था, क्या गलती है, क्या कसूर है उसका? परसों आपके प्रोग्राम में बैठा था अंजना जी, कल भी हमारी इस बारे में चर्चा हुई है। सबके लिए ये दुखदाई है, हमें तब भी कहा था, परसों भी कहा था कि कोई भी दोषी हो, कितना ही बड़ा अफसर हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा है लिपि सिंह आरसीपी सिंह की बेटी है तो ये कोई बहुत बड़ा उपाधि नहीं है, ना ही कोई तमगा है। आरसीपी सिंह सांसद है, लिपि सिंह चुनी यूपीएससी के थ्रू आईपीएस ऑफिसर है। आज उनके एक क्षेत्र में कांड हुआ है और वो नई नई पोस्टिंग उनकी 1.5 साल की हुई है। अब वो विभागीय कार्रवाई में दोषी पाई जाएंगी तो बिल्कुल उनको नहीं बख्शा जाएगा, सवाल ही नहीं उठता है। मगध कमिश्नर के रेंज में इंक्वायरी गठित कर दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगा गया है। इमीडिएटली उन लोग दोनों को एसपी डीएम को वहां से हटाया गया है। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई अपनी जगह पे होती है और ये महानुभाव हो, ये लोग जो बैठे हुए यहाँ पे ज्ञान वर्षा कर रहे हैं, सत्ता विलाप है ये, और कुछ नहीं है। अभी आपके सामने आप एयर कंडीशन रूम में चाय की चुस्कियां ले सकते हैं अजय आलोक जी, मत बोलिए, मैं आपको नहीं बोल रहा था, मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। मुंगेर की मैं चाय की पी रहा हूं, जनता सीसक, अरे चुप रहिए आप, अब नौटंकी करना बंद कीजिए, ये नौटंकी करना बंद कीजिए, आपका दर्द सबको जानता है, पूरा भागलपुर आपने हिंदू पहली बार तो किसी प्रधानमंत्री ने भागलपुर में आके कह दिया था। ये तो अच्छा नहीं हुआ, अब भागलपुर में करोड़ों लोग, भागलपुर में 9,000 लोग मारे गए थे दंगों में, ये आपकी कांग्रेस की देन है, आप मुझे सिखाएंगे गवर्नर? उन्होंने अपने प्राण की आहुति देने बोलने देंगे समझा, मगर काम की बात बोल रहा हूँ, सुनिए ना, सबको सुनने दीजिए ना। देखा, अरे यार आपको क्या दुर्गा जी से मतलब है? एक सेकेंड जाके आवाज नीचे कीजिए, क्या मतलब? देखिए आप लोग भी आज बाहर से हैं, मैं भी बाहर से शो कर रही हूँ, अगर एक साथ बोलेंगे तो बहुत मुश्किल होगा डिबेट को कंट्रोल करना, लेकिन इसको हिंदू हितैषी बनने की होड़ के लिए एक मौका मत समझिए अवे दुबे जी, इस बात का ख्याल रहे, क्योंकि आप भावनाओं को अगर भड़काएंगे परिस्थितियां बेकाबू होती है, हिंसा उसके बाद भड़कती है। एक बार मृत्युंजय जी को भी सुन लीजिए, आपके साथी हैं, बिहार के ही है, वो जरा बेहतर समझा अंजना जी। नहीं अंजना जी, ये जो आप बार बार हिंदू हितैषी बनने का मौका इसको समझ रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है सर, ये ठीक नहीं है, इसकी गंभीरता को समझिए। आप सरकार पर, सत्ता पर सवाल खड़े कीजिए, लेकिन ये एक सेकंड अजय आलोक जी, जल्दी से बोलिए, अजय आलोक जी बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए जल्दी से। अभी आपके स्क्रीन पे डीआईजी थे वहां के, मुंगेर के, अजय आलोक जी एक बात कोई स्वीकारने को तैयार नहीं होगा कि किसी को जानकारी ही नहीं थी। हाँ मनु महाराज, मैं वही पूछ रही थी, क्या मनु महाराज ने भी आप लोगों को नहीं बताया कि किसके आदेश पर गोली चली वहां पर, कोई तो जानकारी दे।
अंजना जी, मनु महाराज अभी आपके सामने आके कह रहे थे कि आज की सुबह में भी जो हिंसा हुई है, आगजनी हुई है, असामाजिक तत्वों के द्वारा हुई है, जो भीड़ का हिस्सा बन के आज असामाजिक वहां पे काम कर रहे हैं। अब मनु ये अरेस्टिंग शुरू हो जाएगी, अभी मुझे गंभीर आपत्ति है, देखिएगा ये राजनीतिक षड्यंत्र निकलेगा, इस पर गंभीर आपत्ति है, हम जानते हैं, मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूँ। आरजेडी का कांग्रेस का ये चरित्र रहा है, ये राजनीतिक षड्यंत्र यही लोग कर रहे हैं। राजनीतिक षड्यंत्र भी है तो पुलिस को ही रोकना पड़ेगा ना, पुलिस ही बिल्कुल, अगर ये राजनीतिक षड्यंत्र है तो रोकना तो पुलिस को ही पड़ेगा ना, इसे राजनीतिक षड्यंत्र उसके बाद से आप लोग छाती पीटेंगे, ये आगजनी बढ़ जाए, कल को और परेशानी हो जाए तो कैसे होगा। मृत्युंजय जी, अभय जी फौरन आओगे, एक बार मृत्युंजय जी बोल, मृत्युंजय जी सवाल यही है कि जनरल डायर और देखिए पहले दौर की वोटिंग भी मुंगेर की घटना के साए में ही हुई, आप लोग अब इस पूरी घटना को जिंदा रखना चाहते हैं राजनीतिक फायदे के लिए। देखिए अंजना जी, ये हमारा चरित्र नहीं है, ये तो लाशों पर राजनीति करने वाले दो दो लोग बैठे हुए हैं, बीजेपी जेडीयू, इनका तो यही चाल चरित्र चेहरा है, सब लोग जानता है कि ये लोग जो दुर्गा भक्त राम भक्त बनने का कोशिश कर रहे हैं, ये माँ भगवती दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के समय देवी के भक्तों पर जिस तरह से गोलियां चलाई गई, उन माओ के वो बेटे ये लोग वापस नहीं कर सकते, और ये थेटरलॉजी करके बेशर्मी की तरह बात कर रहे हैं और इस पर राजनीति रोटी सेक रहे हैं और दोषारोपण एक दूसरे पर कर रहे हैं। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आखिर ये सरकार तो बीजेपी एनडीए की है, या ये एसपी कौन थी, आज डीआईजी बाहर निकले हैं, डीआईजी की ये हिम्मत नहीं थी कि एसपी के रहते हुए वे मुंगेर घुस जाते, ये रौब था, ये रसूख था वो एसपी का, इसलिए था कि जेडीयू के बड़े नेता के दो नंबर के नेता की पुत्री थी, और ये जेडीयू के लोग बात कर रहे, ये लोग किसी के नहीं है, जब मौत होती है इस तरह से नौजवानों को जान से गंवानी पड़ती है तो ये लोग विपक्ष पर आरोप लगाएंगे, मच्छर भी काटेंगे तो विपक्ष पर आरोप लगाएंगे, ये लोग बिहार की जनता देख रही है। आप क्या बोल रहे हैं मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी, मच्छर वाला कहां से आया, आप कह रहे हैं कि एसपी लिपि सिंह से डीआईजी डरते थे, एक सेकंड जी, एसपी से डीआईजी डरते थे, कोई वहां घुसता नहीं था जी, नहीं घुसता था, यही हम कह रहे हैं, डीआईजी को आपने नहीं देखा होगा पूरे प्रकरण में कभी, क्योंकि वो जेडीयू नेता की पुत्री है, ये सबको, ये हाँ इसीलिए ये सबको पता है, आपने देखा कि पहले भी वो बाढ़ में रही थी तो उन्होंने क्या कहा था, इस दिन हम लोगों ने पहले ही तेजस्वी यादव जी ने बजाते संवाददाता सम्मेलन करके कहा कि इस तरह से आप दुर्गा के भक्तों पर गोलियां चला करके जितने लोगों की जाने आपने ली है कि न्यायिक जांच हो, निलंबित हो, अधिकारी पदाधिकारियों को निलंबित करना चाहिए, और ये लोग अभी भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, कुछ भी शर्म होगी, अगर थोड़ी भी शर्म बची होगी तो जो सवाल हम लोग कर रहे हैं उसका ये जवाब दे, ये कौन है एसपी, किसके कहने पर गोलियां चली, बताए क्यों नहीं निलंबित किया गया, क्यों देर हुई, अगर अंजना जी शांत होंगे तो मैं जवाब दूंगा इसका, अब चिल्लाना बंद किया जाए। मृत्युंजय जी कुछ बड़े सवाल जवाब, ठीक है मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी आपने बड़े और अच्छे सवाल पूछे, बस जवाब लेते हैं। अंजना जी देखिए यहाँ पे, अंजना जी यहाँ पर एक बिल्कुल सही बात है, जो हुआ है मुंगेर में वो अच्छा नहीं है, मैंने आपको आरंभ में ही कहा वो दृश्य बहुत ही भयावह दृश्य है और कोई भी हिंदू उसका रूह कांप उठता है, मगर यहाँ पर ये जो दोनों बैठकर ये जो हिंदू विरोधी ताकत शहाबुद्दीन के चचा जान यहाँ बैठ करके जो हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पर दूसरी तरफ आप याद करिए इशरत जहान को शहीद बताने वाले हिंदू बन रहे हैं, ए शहाबुद्दीन के चचा जी शांत रहिए जरा, ये शहाबुद्दीन के चचा, ए शहाबुद्दीन के चचा शांत रहिए शहाबुद्दीन जी, शांत रहिए शहाबुद्दीन जी शांत रहिए, चिल्लाइए मत यहाँ पर, शहाबुद्दीन के चचा शांत रहिए, बिल्कुल चिल्लाना बंद करिए, बिल्कुल बंद करिए चिल्लाना, ये आप चुप रहिए, पहले मुझे बोलने दीजिए, आप लोग हिंदुओं को बेच करके वोट चाहते हैं, हम हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे, मैं बात कर रहा हूँ, पहले ये शहाबुद्दीन के चचा को बंद कराइए, यही लोग करवाते हैं, यही लोग भागलपुर में दंगा यही लोगों ने कराया था,
हिंदुओं की हत्या यही लोग करवाते हैं। और मैं आज ये पहले इनको चुप कराइए, नहीं नहीं पहले इनको चुप कराइए, मैं तो पूरी शांति से सुना इनको, मैं तो शांति से सुना, इनकी आवाज को कम करिए ताकि मैं बोल सकूं, वरना मैं भी बोलता रहूंगा। उचित बात नहीं है। अरे मैं आपके पास आऊंगी सर, ये चर्चा कहां ले जा रहे हैं? देखिए अंजना जी, अंजना जी इनकी आवाज को आप लोड करिए ताकि मैं बोल सकूं। अंजना जी मैं यहाँ, ये किस पर डिबेट हो रहा है? ये ताबुद्दीन पर डिबेट हो रहा है। अंजना जी कैसे होगा बताइए, ये तो अपने समय में बोलेंगे, हम चिल्लाएंगे नहीं, और फिर दूसरों के समय में ये चिल्लाएंगे तो फिर हम भी चिल्लाएंगे, ये कैसी बात है? आप इनकी आवाज को कम करिए, मुझे बोलने दिया जाए। अंजना क्या चिल्लाओ, क्या यहाँ गुंडागर्दी करेंगे आप टीवी पे आके? आप हमें बोलने नहीं देंगे? आप तो शहाबुद्दीन वाले हैं। अरे भैया दुर्गा भक्तों के साथ हम खड़े हैं, हम खड़े हैं, हम खड़े हैं हिंदुओं के साथ। हिंदुओं का हितैषी कौन है ये पूरा विश्व जानता है। आप वे लोग हैं जिन्होंने रामलीला के प्रोसेशन के ऊपर पत्थरबाजी किया था। आप वे लोग हैं जो भागलपुर में हिंदुओं को मरवाते हैं। आप वो लोग हैं जो गोधरा में आग लगवाते हैं और हिंदुओं को मरवाते हैं। आप वो लोग हैं जो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं। हम तो हिंदुओं के साथ खड़े हैं, हम अनुराग पोद्दार के साथ खड़े हैं। और मैं ये शहाबुद्दीन के चचा को कह दूं, कान खोल के सुन लीजिए शहाबुद्दीन के चचा, ठीक है? अगर हिंदुओं अपनी बात पूरी कीजिएगा, दे सकता है, हम ही दे सकते हैं। लोग ये माफी मांगे हिंदू भक्तों पर, दुर्गा भक्तों पर। नहीं अंजना जी देखिए, ठीक है, तो संबित जी, संबित जी ब्रेक के बाद मैं लौटी हूँ, यहीं से चर्चा आगे लिए चलेंगे। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मैं आपके साथ आ रही हूँ। ब्रेक के बाद जब आऊंगी तो शुरुआत करूंगी अभय जी, मुंगेर में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा और उसके बाद के तनाव और आगजनी पर आज ये बहस हो रही है। एक तरफ वो सियासत, दूसरी तरफ चिंता उस तनाव पर जो मुंगेर में देखा जा रहा है, और तीसरी तरफ अगला पोलिंग डे 3 नवंबर को। समित पात्रा जी, मेरा सवाल आपसे ये, आप जवाब दे दीजिएगा उस बात का, आपका पूरा नहीं हो पाया था। सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको लगता है कि हिंदू हितों की बात करने वाली हम ही एक पार्टी है, ये स्थापित करते रहना है, इसीलिए एक ऐसी घटना में जहां पर दुर्गा विसर्जन के दौरान भी घटना हुई उसमें भी अब आप वही एंगल ला रहे हैं कि हम ही है उस हक में, चाहे इसमें आपको सरकार, इलेक्शन कमीशन, नीतीश मतलब मेरा इशारा है, उनके खिलाफ भी बोलना पड़े तो आप कूद पड़ेंगे बोलने के लिए? देखिए जहां तक हिंदू हितों का विषय है इसमें कोई दो मत नहीं है। हम कोई प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन करना नहीं चाहते हैं, मगर सबका साथ सबके विश्वास में सबके विकास में हमारा ये मानना है, स्पष्टतः मानना है कि किसी प्रकार की तुष्टीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल स्थान नहीं है। हिंदुओं का भी हित होना चाहिए। बहुत वर्षों से हिंदुओं का अहित ही हो रहा था सेक्युलरिज्म के नाम पर, इसलिए जब ये कांग्रेस पार्टी या RJD हिंदू हितों की बात करती है तो कहीं ना कहीं ये गिरगिट की तरह नजर आते हैं जो रंग बदल रहे हैं और चुनाव में फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको आपके प्रथम प्रश्न में ही उत्तर दिया कि जो घटना मुंगेर में हुआ वो उचित नहीं है, अनुचित है, दुखद है और इससे ज्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती है। मैंने यह भी कहा कि SP और DM के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही इलेक्शन कमीशन करे, क्योंकि अंततो गत्वा उन्हीं के हाथ में कार्यवाही है। अभी नीतीश जी के हाथ में कार्यवाही करना या मोदी जी के हाथ में कार्यवाही करना हमारे हाथ में नहीं है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो RJD वाले हैं और कांग्रेस वाले हैं इनसे पूछिए कि आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दुर्गा पूजा के प्रोसेशन में जिस पुलिस कर्मी जिसका नाम कलीम खान है, कलीम खान नामक ऑफिसर ने लाठी डंडे बरसाए, कलीम खान के खिलाफ एक शब्द बोलेंगे? कलीम खान के खिलाफ एक शब्द बोलेंगे? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछता हूँ, कलीम खान वहां का इंस्पेक्टर है, कलीम खान ने लाठी डंडे बरसाए बिलासपुर में दुर्गा पूजा के भक्तों के ऊपर, कलीम खान के खिलाफ तो एक आवाज नहीं उठ रही है आपकी? ठीक है, जवाब सुनिए। कलीम खान को भी आपकी तो सरकार है, कलीम खान को डालिए जेल के अंदर। देखिए नहीं, आप कलीम खान को डालेंगे जेल में? ओ मेरे, ओ सम्मी, कलीम खान को डालेंगे जेल में? कलीम खान के खिलाफ एक शब्द तो बोलिए। मैं तो लिपि सिंह के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ SP के खिलाफ कार्यवाही करे, मगर आप कलीम खान के खिलाफ बोल के दिखाइए जरा, कलीम खान के खिलाफ बोल के दिखाइए जरा, दिखाइए जरा कलीम खान के खिलाफ, दिखाइए जरा कलीम खान के खिलाफ बोल के। अरे देखिए जरा अराजक तत्व, मैं तो बोल रहा हूँ कि वहाँ पर SP और DM के खिलाफ कार्यवाही हो। आप देखिए ये कलीम खान के खिलाफ नहीं आवाज उठाएंगे, ये कलीम खान के खिलाफ आवाज उन्हें लहूलुहान कर दिया तुम लोगों ने,
अरे तो असुरों जैसे अरे भैया मैं तो उन माताओं के साथ खड़ा हूँ, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ जो क्लब जाके नाच रहा हूँ, मैं उन माताओं के साथ खड़ा हूँ, मैं अनुराग पोद्दार के साथ खड़ा हूँ, मैं अनुराग पोद्दार की माँ के साथ खड़ा हूँ, मैं उनके लिए न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। मगर आप बताइए आपका मुंह क्यों बंद है कलीम खान के नाम पर, कलीम खान के नाम पर आपका मुंह क्यों बंद है? सबक सिखाना ये अजय आलोक को, वो सबक सिखाना जो अराजक तत्व बता रहे आपको सबक सिखाया हुआ है तुम्हारे राहुल गांधी को, मां शेरावाली ने सबक सिखाया हुआ है बता रहे हैं और उन पर गोलियां चला रहे हैं। कौन बता रहा है इनको अराजक तत्व? मैं तो भक्त बता रहा हूं इनको, मैं तो उनको भक्त बता रहा हूं, आप उसको उनको अराजक बता रहे हो। मैं बता रहा हूं कि ये भक्त भक्तों के साथ हिंदुओं के ऊपर इसी प्रकार आक्रमण होता रहा है और समय आ गया है जब हिंदुओं के ऊपर आक्रमण न हो, इसके लिए हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। और मैं भी बिहार के तमाम हिंदुओं को कहता हूँ, एकजुट होकर हिंदुओं को खड़ा होना पड़ेगा, जातियों में बंटना बंद होना पड़ेगा, जातियों के आधार पर वोट नहीं करना है, तमाम हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा बिहार में भी और हिंदुस्तान में हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। हिंदुओं को जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनको मजा चखाना पड़ेगा। देखिए अंजना जी, अंजना जी ये लोग नौटंकी बाज चलाते, वही मैं कह रहा हूँ ये लोग नौटंकी बाज है। आज दोपहर में जब चुनाव आयोग ने कार्रवाई की, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए ने स्वागत किया चारों दलों ने, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी, हम चारों लोगों ने चुनाव आयोग के कदम की सराहना की कि जांच बिल्कुल समय पे हो जानी चाहिए। ये किए हैं रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि चुनाव आयोग की बात कर रहा है, इनको है क्या किस पे भरोसा? इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी कुछ है? जीवन भर अभी बिलासपुर के नाम पे मुंह में दही जम गया, कलीम खान का नाम सुन के मुंह खुल जाता है लेकिन आवाज नहीं निकलती है। अरे जाके चर्च में प्रार्थना कीजिए आप लोग, आप लोग किसी के नहीं हो, आप लोग ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, आप लोग किसी के नहीं हो। दोनों के चेहरों को गौर से देख लो, ये ब्राह्मण बताते हैं उनके सीनों पर गोलियां चलाते हैं माँ, इनको क्षमा मत करना। मैं उस बड़ी नटंकी कोई है आपको दिखाइए, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ शामिल हुए हैं विक्रम सिंह साहब। मैंने खास आपको इस कार्यक्रम में इसलिए शामिल किया है कि सिर्फ सियासी शोर नहीं, हमें बताइए कि किन परिस्थितियों में दुर्गा विसर्जन जैसे एक वक्त पर गोलियां कोई पुलिस चला देती है, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी तक तस्वीर साफ नहीं है, जांच के लिए चुनाव आयोग ने कहा है, एसपीडीएम को अब जाकर 72 घंटे बाद हटाया गया है, लेकिन ये क्या हुआ? एक पुलिस ऑफिसर के रूप में क्या समझ में आ रहा है आपको? अंजना जी, प्रत्येक थाने में त्योहार रजिस्टर होता है, प्रत्येक त्योहार के बारे में वांछित लेखा जोखा होता है, किस मार्ग से अनुमानित भीड़ क्या होगी और उसी हिसाब से तदनुसार जुलूस के आगे पीछे मध्य में सादे कपड़ों में महिला पुलिस और छतों पर ड्यूटियां लगाई जाती है, इक्विपमेंट लगाया जाता है, एंटी राइट गियर की व्यवस्था की जाती है और इसका पूर्वानुमान के आधार पर पूरी पुलिस व्यवस्था की जाती है और इसके साथ ही ऐसी अमूलचूल व्यवस्था की जाती है कि बल प्रयोग का नौबत ना है, क्योंकि ये कोई अपराधी नहीं थे, ये शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति विसर्जन के लिए गए थे और ये कह देना कि इनके तरफ से गोली चली थी अविश्वसनीय प्रतीत हो रही है, क्योंकि अगर ये बात है कि इंसास की गोली मिली है तो इंसास एक सर्विस प्रोहिबिटेड वो का वेपन है, ये केवल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास रहता है। ये भी हो सकता है कि चलिए मान भी लिया, लेकिन क्या हमारी एडवांस इंटेलिजेंस ऐसी नहीं थी कि इंसास राइफल लेके दंगाई अटकाई आ जाए? तो भी हमारी बिल्कुल बहुत बड़ी चूक थी कि अगर कोई दंगाई इंसास लेके आ जाए हमारे ऊपर गोली चला दे, वो भी औचित्यपूर्ण नहीं है। मेरा इसमें संस्तुति ये होगी अंजना जी कि जब कभी पुलिस फायरिंग में ऐसे घटनाक्रम में कोई मौत होती है तो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, उसको तत्काल करा करके उत्तरदायित्व निर्धारित करें और जो भी दोषी हो, प्रथम दृष्टया इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी हैं वो दोषी हैं और प्रथम दृष्टया अगर दोषी हैं तो उत्तरदायित्व मजिस्ट्रेट इंक्वायरी निर्धारित करके उनके ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन आरोप प्रत्यारोप पे कुछ नहीं रखा है, लेकिन जो त्रुटियां हमने की है उसको मान लेना और आगे सुनिश्चित करना कि इस प्रकार की त्रुटियां ना हो, दंगे और आगे ना फैलें। जी एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न है सर, जब चुनाव आयोग के तहत चुनावों के पहले
सब कुछ सौंप दिया जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और चुनाव आयोग के तहत पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब आता है। ऐसे में गोली चलाने जैसे सख्त फैसले का ऑर्डर कौन दे सकता है? क्या एसपी अपने स्तर पर इस तरह का ऑर्डर दे सकती है? वो भी एक मतलब उस वीडियो को देखिए, विसर्जन के लिए लोग जा रहे हैं, कोई ऐसी नौबत नहीं दिखाई देती है जिसमें गोलियां चलानी पड़े। कौन उस समय ऑर्डर पास करता है? अंजना जी, जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर है या जो मजिस्ट्रेट मौके पे है वो अधिकृत है गोली चलाने के लिए। ये इलेक्शन कमीशन के सिर पे ठेकड़ा फिरा हम लोग छोड़ दें, इलेक्शन कमीशन ओवरऑल गवर्नर्स का इंचार्ज होता है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कि हम सादी वर्दी पहनेंगे, वो पहनेंगे, फायरिंग करेंगे नहीं करेंगे, ये स्थानीय जो वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट होते हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन तो छोड़ दीजिए, ये तो मैं समझता हूँ कि लोकल जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है उस द बक स्टॉप्स देयर। इलेक्शन कमीशन और आगे ले जाना, पट्टा तक ले जाना, ये औचित्यपूर्ण नहीं है। जिम्मेदारी उन्हें जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर मौके पे थे, उनकी जिम्मेदारी थी। बिल्कुल, अगर ये आरोप विपक्ष लगाता है, कोई भी इसको सीधे नीतीश कुमार से जोड़ता है, ये उचित होगा? बिल्कुल उचित नहीं होगा। हम पुलिसकर्मी और हम प्रशासनिक अधिकारी संविधान के सब काम करते हैं। नीतीश कुमार जी का या कोई भी राजनीतिक हमारे जो पॉलिटिकल सीनियर्स हैं उनका सम्मान करते हुए हम वही करेंगे जो स्थिति की आवश्यकता है, अनिवार्यता है, गुण दोष के आधार पर मिनिमम यूज ऑफ फोर्स। अगर कोई कह दे कि साहब आप गोली चला दीजिए लाइट मशीन गन लगा करके माउंट करके, हरगिज नहीं, कह देंगे मंत्री जी मैं नहीं करूंगा, मैं जीडी में लिख दूंगा कि आपने नाजायज हुक्म दिए हैं। ठीक है, चलिए अब यही जवाब मृत्युंजय जी आपके पास लिए चलते हैं। जबकि खुद डीजी रहे हुए उत्तर प्रदेश के अफसर बता रहे हैं, सर सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, मैं एक प्रश्न सिर्फ करना चाह रहा था। सवाल अभय जी आप भी बोल लीजिएगा, एक बार मृत्युंजय जी से ले लूं मैं कमेंट, जल्दी जल्दी प्लीज, टाइम वेस्ट किए बिना। एक सवाल, हाँ ठीक है, एक इतना सिर्फ बता दीजिए मुझे, पूछ लीजिए प्रभु, पूछ लीजिए जी। मेरा निवेदन यह है कि क्या मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है कि वो इंक्वायरी इनिशिएट करे या वो ऑर्डर पास कर दे? इतनी विभत्स घटना हुई है उसके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ दोनों। अरे छोड़िए, आप पूछने दीजिए उनसे, परसों ही चुनाव आयोग को लिख के दिया था हमने। आप मत बोलिए, उनको सीधे आदेश देने का अधिकार है। आपने ठीक बोला जी, देखिए जेडीयू और कांग्रेस आपस में भिड़ गए हैं, एक सेकंड सुनिए, जल्दी से मृत्युंजय जी, उन्होंने भी कहा सीधे मुख्यमंत्री तक ले जाना ठीक नहीं है। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी ये दोनों ही जिम्मेदार हैं और टॉप जो वहां पर ऑफिशियल्स रहते हैं वही ऐसा फैसला लेते हैं गोली चलाने का। ये किनके लोग अगर चली है तो ये एसपी कौन है? अंजना जी पहले तो हमने बताया ना कि एसपी कौन है, वहां प्रशासन किनकी है, किनके इशारे पर हुआ, इसके पहले भी शिक्षकों पर भी इसी तरह से लाठियां और गोलियां चलाई गई। तो आप कह रहे हैं कि वहां से उन्होंने अपने पिता को फोन किया? ठीक है मृत्युंजय जी, खुद ही समझ गए, मैं समझ गई आपका, अपनी दलील को खुद भी तो समझिए। तो आप कह रहे हैं कि एसपी जो है वहाँ पे उसने अपने पिता को फोन किया जो कि राज्यसभा के सांसद है आरसीपी सिंह, फिर राज्यसभा सांसद ने नीतीश कुमार से पूछा और फिर गोली चली। अरे जरा सोचिए तो कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। अंजना जी, ये गोली में जो लोग मरे हैं, जिन माओ के गोद सुने हुए हैं, उसके लिए किसी की जिम्मेवारी जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है बताइए? जो नौजवान की मौत हुई है फिर वो वापस लौटा देंगे? बिल्कुल बनती है, एसपी और डीएम की बनती है, जिसके खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। जल्दी से संबित जी, एक लाइन में, एक लाइन का कमेंट, जल्दी से संबित जी। इसीलिए तो इंक्वायरी कमेटी गठित की गई है, इसीलिए तो एसपी और डीएम को बर्खास्त किया गया है। और बार बार आप ही के चैनल पे हमने बैठ के कहा, अगर किसी के खिलाफ चाहे वो कितना बड़ा भी अधिकारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कुछ भी निकलता है तो उसको सूली पे टांगिए, छोड़ना नहीं है। जिस प्रकार का विभत्स दृश्य हमने देखा है, इस प्रकार से हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। नजर रहेगी हिंदू लाइफ मैटर। सात दिन बाद रिपोर्ट आनी है, 7 दिन बाद। चुनाव आयोग ने कहा है कि 7 दिन के अंदर एडिशनल मजिस्ट्रेट जो कमिश्नर है मगध इलाके के, वो अपनी जांच पूरी करेंगे और फिर सच सामने आएगा। सभी को उसका इंतजार होगा। फिलहाल चुनाव आयोग ने डीएम और एसपी को हटा दिया। एक ब्रेक में बहस, आज मुंगेर में हुई दुर्गा विसर्जन की घटना पर, जहां पर सियासत एक तरफ है, दूसरी तरफ वो तनाव जो मुंगेर में इस मुद्दे को लेकर है और एसपी डीएम को चुनाव आयोग ने हटा दिया है। देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।